क्षेत्र के सिंघड़िया में चली गोली, चार घायल, तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, असलाह भी बरामद। आयुक्त सभागार में अपर मुख्य सचिव ने किया विकास कार्यों की समीक्षा, कहा तहसील समाधान दिवस, राजस्व सहित आय अन्य मामलों के शिकायतों का 31 मार्च तक करें निस्तारण। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर उनके विकास कार्यों को एलईडी वैन के माध्यम से रखा गया जनता के बीच। जिले में पहली बार शराब की दुकानों का हुआ ई लॉटरी से आवंटन, अपर मुख्य सचिव रहे मौजूद। नवागत एसएसपी शलम माथुर ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा लॉ एंड ऑर्डर पहली रहेगी प्राथमिकता। समय से मजदूरी न मिलने को लेकर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत ठेकेदार पर कार्य करने वाले मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने की मांग को लेकर यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने वाले शिक्षकों ने सोमवार को किया भिक्षाटन। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर भाजपाइयों ने बैठक कर वर्ष 2019 में जीत की बनाई रणनीति। पारिश्रमिक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस 20 को सहजनवा में सभी जिला स्तरीय अधिकारी रहेंगे मौजूद। 8 अप्रैल से होगा स्वर्ण समाज सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन। सम्मेलन में समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पे होगा मंथन। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह और अरुणेश शाही ने किया शुभारंभ। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में डोना क्रिकेट एकेडमी ने नासा के KS टैलेंट को 11 रनों से हराया।